सो हे गाइस, दिस इज राजकुमार करके, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू डू कॉर्कस्क्रू इन जस्ट 4 स्टेप गाइस। उसके साथ साथ आज का जो ये ट्यूटोरियल होने वाला है बहुत ज्यादा इजीएस्ट वे में होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, स्टेप नंबर 1 में जाने से पहले गाइस आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आपका अगर ऐसे अगर राइट हैंड साइड में अगर आपका फ्लो होता है या फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड होता है तो गाइस इसको गाइस आपको कॉपी नहीं करना है। इट मीन कि अगर मैं अगर खुद से अगर पर्सनली कॉर्कस्क्रू अगर अटेम्प्ट करता हूं तो मेरा गाइस एक राइट हैंड साइड में पड़ता है, तो आपको ये चीज कॉपी नहीं करना। आपका गाइस जो सा कंफर्ट होगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वैसे वो राइट हैंड साइड हो, अब अपने हिसाब से आपको जो कंफर्ट लगे सब वो चूज करना। तो गाइस चलते हैं स्टेप नंबर 1 के। स्टेप नंबर 1 में गाइस आपको मैं रिकमेंड करूंगा आपको सिंपल से एक वीडियो आनी चाहिए जो कि कुछ ऐसी दिखती है। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में गाइस आपको मैं रिकमेंड करूंगा सिंपल से एक जे स्टेप गाइस जो कि कुछ ऐसे होती है। तो इस जे स्टेप का जो यूज होता है एक्चुअली गाइस हम एक कॉर्कस्क्रू अटेम्प्ट करते हैं उसमें एक अच्छा खासा फ्लो के लिए गाइस हम एक जे स्टेप का यूज करते हैं। चलते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में भी बेसिकली होता क्या है कि हमने स्टेप नंबर 1 में एक बीटूस किया था, स्टेप नंबर 2 में हमने एक जे स्टेप किया था। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं वो ऑलमोस्ट एक कॉर्कस्क्रू बन जाता है, बट लेकिन वो सिंपल सा वे लाइक वैसा कुछ होगा नहीं। तो एक्जैक्टली करना कैसे गाइस आपको मैं सिंपल वे में बताता हूं। लाइक आपको एक सिंपल सा जे स्टेप करना है, आपको जो से किकिंग लगेगा उसको किक करके बस बॉडी को अपवर्ड साइड फेंकना होगा। तुमको स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा कि सिंपल सा एक जे स्टेप लेना है और आपको एक लेग को रखते हुए वहाँ से स्टैंडिंग आपको एक बीटूस करना होता है। इस चीज को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको थोड़ा डर कम होगा एंड आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपका हाँ भाई मेरे को ये जम रहा है करके। एंड गाइस आपको ट्राई करना कि आपको जो किकिंग लगेगा उसके थ्रू आपको जब बीटूस कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना कि आपको जो एक किकिंग लगे उसका हल्का सा आपको अवॉइड करना कि वो ग्राउंड को टच होगा करके। तो जितना कम टच होगा सबके लिए उतना अच्छी बात है। तो वैसे आपका जो किकिंग लगे जितना ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ आपकी जो लोअर बॉडी है वो भी ऐसा अपवर्ड साइड जाएंगे। तो वैसे दोनों अगर जितना अपवर्ड साइड जाएगा तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वर्टिकल सी एक हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो वैसे ये आपके लिए एक अच्छी बात होगी। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके जो किकिंग लगेगा उसके साथ साथ आपकी जो दो हैंड्स है तो आपको तीनों को साथ में उतना आपको पावरफुली थ्रो करना है जिसके थ्रू कैसे आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऐसा अपवर्ड साइड जाएंगे। आपको कैसे टाइम मिलेगा अच्छा खासा स्पिन के लिए जिसके थ्रू कैसे आपकी कॉर्कस्क्रू जल्दी से जल्द इंप्रूव होगा। एंड लास्ट अगर कैसे देखा जाए कि उसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो लोग एक्चुअली मैं भी स्टार्टिंग पीरियड में क्या कहते हैं कि हम जब ऐसे कॉल कर अटेम्प्ट करते हैं तो बॉडी को ऐसा अपवर्ड साइड बैकवर्ड मतलब अपवर्ड लेके धीरे धीरे आपको कैसे बॉडी को ऐसा बैकवर्ड साइड फेंकना होता है। ये ना करते हुए मैं क्या करता था अपनी जो दोनों आर्म्स है मैं उसको ऐसे साइड वे में थ्रो करता था। इसके थ्रू कैसे आपके कॉर्क एक लाइक ऐसे साइड वे में जाएंगे तो आपका जो फ्लो बनता है कैसे वो साइड वे में बनता है। तो एक बात कैसे ध्यान रखना कि आपका जो फ्लो है वो साइड वे में ना बनते हुए कैसे एक बैकवर्ड साइड जाए तो आपको एक किकिंग लेग के साथ किक करना है एंड कैसे आपके दोनों आर्म्स को थ्रो करना है एक बैकवर्ड साइड कैसे। आपको सारे स्टेप को फॉलो करते हुए कैसे एक टेक्निकली प्रैक्टिस करना है एंड धीरे धीरे कैसे आपकी कॉर्कस्क्रू इंप्रूव होते जाएंगे एंड डेफिनेटली कैसे आप एक कॉर्कस्क्रू सीख जाओगे। हमारा आज के वीडियो होपफुली गाइस आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइस टाइम अच्छा होगा कि वीडियो को एंड करें। सो या दिस इज राजकुमार साइनिंग ऑफ। जल्द मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी फॉर अ बेटर लाइफ।